बिहार में एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। मुकेश सहनी ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। पटना में मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो मोदी और योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। वैसे मुकेश सहनी के पार्टी के 3 विधायक बीजेपी को समर्थन देने का संकेत दे चुके हैं, तो वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में एनडीए खत्म हो गया है। मुकेश सहनी ने खुद की तुलना राजा हरिश्चंद्र से की और कहा कि वो पहले भी हरिश्चंद्र थे और आज भी हरिश्चंद्र हैं। भाजपा नेताओं को इशारों में मुकेश सहनी ने हिटलर बताते हुए कहा कि ऐसे लोग मुकेश सहनी और उनकी पार्टी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि लोगों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह जो कह देंगे वही हो जाएगा, मेरे जैसे लोग उनके पीछे नहीं चलने वाले हैं। सहनी ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने की एक सीमा होती है, हमें यहाँ परेशान और बार बार अपमानित किया जा रहा है, ऐसे में जब सीमा खत्म हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। एनडीए को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इस सीमा को खत्म ना करें, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम काफी ईमानदार हैं, आज भी एनडीए में हैं, लेकिन कल रहेंगे या नहीं यह नहीं पता। टीवी चैनल न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में सरकार बनाते वक्त जो एनडीए था वह एनडीए अब नहीं रह गया है। सहनी ने आरोप लगाया कि यह केवल बीजेपी और जदयू का एनडीए बनकर रह गया है। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें अगर विधान परिषद की सीटें एनडीए की तरफ से नहीं दी गई तो वो 24 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सहनी ने यह भी कहा कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव सीट पर वीआईपी पार्टी हर हाल में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस विधानसभा सीट के लिए वीआईपी पार्टी की दावेदारी जताते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उग जाए तब भी वीआईपी पार्टी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मुकेश सहनी ने सवाल करते हुए कहा कि आप जनरल कास्ट के लिए 3 घंटे में आरक्षण लागू कर सकते हैं, तो निषाद जाति के लोगों के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं कर सकते। सैनी ने कहा कि मैं अगर अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इसमें आपको क्यों आपत्ति है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे किस रूप में लेता है। निषाद आरक्षण की वकालत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वो निषाद आरक्षण की मांग बराबर करते रहे हैं और लोगों को ये नागवार गुजर रहा है। बीजेपी का बगैर नाम लेते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोग निषाद समाज के वोट बैंक को अपनी जागीर समझ रहे हैं, तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी और जीतन राम मांझी की पार्टियों ने बिहार में एनडीए सरकार को बनाने में उस वक्त सहयोग दिया था जब विपक्ष की तरफ से उन्हें सभी विधायकों को मंत्री और राज्यपाल कोटे की विधान परिषद की 12 सीटों में से 6 सीट देने का वायदा किया गया था। पशुपति पारस को एनडीए में 1 सीट दिए जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी क्या बात करनी है, जिन्हें केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया है। तेजस्वी यादव द्वारा मुकेश सहनी को 1 भी सीट नहीं दिए जाने पर दिए गए बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर वह चिंता जाहिर कर रहे हैं और शुभचिंतक बन रहे हैं तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो गलती की है उसे उन्हें सुधार करना चाहिए। हालांकि मुकेश सहनी ने भविष्य की राजनीति का फिलहाल खुलासा करने से मना किया और कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अन्य खबरों का रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।